बैलगाड़ी और साइकिल की जर्नी से आज हम चांद और मंगल तक पहुंच गए। चंद्रयान 3 की सक्सेस से पूरी दुनिया झूम उठी। भारत ने चांद के साउथ पोलर रिजन पर चंद्रयान उतारकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि करीब 54 साल पहले चांद की जमीन पर जो दो शख्स पहुंचे थे उन्होंने वहां एक डिवाइस फिट की थी जो आज भी वहीं मौजूद है। साल 1969 जब इसरो की स्थापना हुई, लेकिन इससे पहले ही नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चांद पर पहुंच चुके थे। उन्होंने वहां एक डिवाइस फिट की। उस डिवाइस को भी क्रेडिट देना बनता है, क्योंकि वो नहीं होता तो आने वाले वक्त में मून मिशन में बड़ी दिक्कतें आ सकती थी। ये डिवाइस थी लेजर रेंजिंग रेट्रो रिफ्लेक्टर LRR। ये रेट्रो रिफ्लेक्टर पृथ्वी की ओर लक्ष्य करने के लिए वहां लगाए गए। इसे फ्यूज्ड सिलिका के क्यूब से बनाया गया। साइंस के स्टूडेंट्स इसकी टिपिकल परिभाषा समझ जाएंगे, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो ये डिवाइस एक तरह की लेजर लाइट रिफ्लेक्ट करती है जो पृथ्वी तक पहुंचती है। साइंटिस्ट उसे पहुंचने में लगे समय को नापते हैं और इसी तरीके के चांद और पृथ्वी की असली दूरी आसानी से पता होती है। ये डिवाइस आज भी चांद पर मौजूद है। नासा ने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को चंद्रमा पर उतारा। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग मिशन के कमांडर थे। बता दें कि 4 और रेट्रो रिफ्लेक्टर भी पृथ्वी पर रखे गए। इनमें से 3 को अमेरिकी अपोलो मिशन द्वारा स्थापित किया गया, जबकि बाकी को सोवियत संघ के लूना मिशन द्वारा स्थापित किया गया। सोवियत संघ के लूना खोद 1 या लूना 1 ने पहला रेट्रो रिफ्लेक्टर चलाया। सोवियत संघ ने 17 नवंबर 1970 को चंद्रमा पर रखा एक रेट्रो रिफ्लेक्टर खो दिया है। 14 सितंबर 1971 के बाद से उनका कुछ पता नहीं, लेकिन 2010 में खगोल वैज्ञानिकों ने इसे फिर से खोज लिया। अन्य सभी रेट्रो रिफ्लेक्टर भी अभी चालू है। दरअसल जब से चंद्रयान 3 अपने मून मिशन पर निकला है, तब से चांद और इस पर अब तक हुए मिशन की चर्चा तेज हो गई है। इंडिया का मून मिशन सक्सेसफुल हो गया है। देखना होगा कि क्या अब रोवर प्रज्ञान, जो चांद पर घूम घूम कर डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो इन रेट्रो रिफ्लेक्टर डिवाइस को ढूंढता है। नील आर्मस्ट्रांग के टाइम से इस डिवाइस की क्या कोई नई जानकारी मिलती है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।